हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर मंथली एमसीक्यू। जो करंट अफेयर है इसका हर मंथली का एमसीक्यू के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे, जो डीआरडीओ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके हर हर एक टॉपिक के ऊपर हम आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का जो वीडियो है करंट अफेयर्स के बारे में एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है 10 अगस्त, दूसरा ऑप्शन 21 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 5 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 13 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है हमारा आंसर ए 10 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज़ द गवर्नमेंट मेड फ्री एंट्री फॉर विजिटर एंड टूरिस्ट टू ऑल इट्स प्रोटेक्टेड मोमेंट्स एंड साइट्स अक्रॉस द कंट्री। देश भर में स्मारक और स्थल के लिए सरकार ने कब से अपने सभी संरक्षित लोगों के लिए, आगंतुकों और पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश किया है। क्वेश्चन में पूछा था, इसके लिए पहला ऑप्शन है 15 टू 30 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 5 से 15 अगस्त तक, तीसरा ऑप्शन है 20 अगस्त से 30 अगस्त तक और चौथा ऑप्शन है 14 अगस्त से 20 अगस्त तक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 अगस्त से 15 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 चेस ओलंपियड। 2026 शतरंज ओलंपियड की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका जो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा इंडिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा अजबेकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजबेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द 13th एडिशन ऑफ इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज पूर्वा वज्रा प्रहार 2022 टेक प्लेस। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्वा वज्रा प्रहार 2022 का 13वां स्मारक संस्करण कहाँ हुआ है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया एंड अमेरिका कंडक्ट मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका मेगा सैन्य अभ्यास कहाँ करेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है उत्तराखंड यौली, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरला और चौथा पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है कि अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका मेगा सैन्य अभ्यास ऑप्शन नंबर पहला उत्तराखंड औली में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इसरो लॉन्च इट्स स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D1। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसरो ने अपना छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D1 कब लॉन्च किया है, इसके लिए पहला ऑप्शन है 3rd जुलाई, 3rd अगस्त, 19 अगस्त, तीसरा ऑप्शन 25th अगस्त और चौथा ऑप्शन है 7th अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ये इसरो ने कब लॉन्च किया था अपना उपग्रह, तो 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज डिटेक्टेड कस्टम्स एविएशन ऑफ हाउ मच रुपीज। राजस्व खुफिया निदेशालय ने कितने रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है, इसके लिए पहला ऑप्शन है 1500 लाख, दूसरा 2217 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 1675 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 2098 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2217 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था, पहला ऑप्शन 7 अगस्त, दूसरा 1 अगस्त, तीसरा 26 अगस्त और चौथा 15 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर्ड इंडिजियसली डेवलप लेजर गाइडेड ATGM, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है। क्वेश्चन में पूछा गया था, इसके लिए पहला ऑप्शन है MSME, दूसरा भेल, तीसरा DRDO और चौथा भेल है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। नेक्स्ट, विच अवार्ड वे आर गिवन बाय प्रेसिडेंट
द्रौपदी मुर्मू एंड आर्म फोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑन द ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कौन से पुरस्कार दिए हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है 78 गैलेंट्री अवार्ड, दूसरा 107 गैलेंट्री अवार्ड, तीसरा है 14 गैलेंट्री अवार्ड और चौथा है 50 गैलेंट्री अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 107 107 गैलेंट्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हाइस्टेड द इंडियन फ्लैग 30 किलोमीटर अबव द अर्थ ऑन द ओकेशन ऑफ 15 अगस्त, 15 अगस्त के अवसर पर भारतीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर किसने फहराया है? यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है नेशनल स्पेस साइंस एजेंसी और चौथा है स्पेस किड्स इंडिया। इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी स्पेस किड्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश झुंझुनवाला पास्ट अवे ऑन 14 अगस्त 2022, हु वॉज राकेश झुंझुनवाला? 14 अगस्त 2022 को राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया है, कौन थे राकेश झुंझुनवाला? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राकेश झुंझुनवाला उसकी निधन हुआ है 14 अगस्त 2022 को, तो राकेश झुंझुनवाला कौन थे? इसका जो पहला ऑप्शन है वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, तीसरा डॉक्टर, चौथा इंजीनियर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द बायलैटरल एंड एक्सरसाइज नेम्ड उदर शक्ति? किस देश ने उदर शक्ति नामक द्विदिवसीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? इसके लिए पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, दूसरा मलेशिया, तीसरा चाइना और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द करंट एपे रूल्स विच एज इंडियन सिटीजन एंड हैविंग सेविंग अकाउंट इन एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम? वर्तमान APY नियमों के अनुसार किस उम्र का भारतीय नागरिक और किसी भी बैंक या डाकघर में बचत खाता है इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है 10 से 20 साल, दूसरा ऑप्शन है 25 से 30 साल, तीसरा ऑप्शन है 18 से 40 साल और चौथा ऑप्शन है 40 से 60 साल। तो इसका जो सही आंसर है 18 से 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है 12 अगस्त, दूसरा 8 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 30 अगस्त और चौथा 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ये 12 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री ट्रैवल फॉर वोमेन ऑफ विच एज इन गवर्नमेंट बसेस? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किस उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करती है? इसके लिए पहला ऑप्शन है अबव द एज ऑफ 40 ईयर, 40 साल से ऊपर के लोगों को, या फिर 50 साल, या फिर 35 35 साल, या फिर जो ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, मतलब 60 साल के ऊपर के। तो इसका जो सही आंसर है लास्ट ऑप्शन डी अबव द एज ऑफ 60 ईयर, मतलब 60 साल के ऊपर के जो नागरिक होते हैं उनके लिए बस में सुविधा मुफ्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट इन अगस्त 2022 अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना टिल विच ईयर? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसके लिए पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा 2024, तीसरा ऑप्शन है 2030 और चौथा ऑप्शन है 2010। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन कॉमनवेल्थ गेम 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 10 गोल्ड और 16 सिल्वर, दूसरा ऑप्शन 50 गोल्ड मेडल, तीसरा ऑप्शन है 30 गोल्ड 20 सिल्वर
और चौथा ऑप्शन है 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू हाई कोर्ट जज हैव अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द ओकेशन ऑफ 15 अगस्त। 15 अगस्त के अवसर पर सरकार द्वारा कितने नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है 20 नए जज, दूसरा ऑप्शन है 10 नए जज, तीसरा ऑप्शन है 37 नए जज और चौथा ऑप्शन है 22 नए जज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 37 न्यू जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड आरटीपीसीआर किट टू टेस्ट फॉर मंकी पॉक्स डाइसेस इन इंडिया? भारत में मंकी पॉक्स रोग के प्रशिक्षण के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किससे विकसित की गई है? इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स, दूसरा भारत बायोटेक, तीसरा डेविस लेबोरेटरीज और चौथा ऑप्शन है सन फार्मा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडिया इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी? अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला कहाँ है? यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 197 कम्युनिकेशन इन पेरेंट कंपनी ऑफ डिजिटल पेमेंट ऐप पेमेंट पेटीएम, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ 197? 197 कम्युनिकेशन डिजिटल भुगतान ऐप की मूल कंपनी है पेटीएम। 197 के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा अरुण अग्रवाल, दूसरा विजय शेखर शर्मा, तीसरा राकेश सिंह और चौथा है पंकज राठौर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर शहीद भगत सिंह? किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त की है? इसके लिए पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा इंदौर, तीसरा दिल्ली, चौथा है पंजाब एंड हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफिकेट स्टेट इन इंडिया? कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसके लिए पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ? धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्य के शिकार लोगों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए पहला ऑप्शन 22 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 6 अप्रैल और चौथा है 12 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन पहला, 22 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द पीच ब्लैक 2022 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज? पीच ब्लैक 2022 वायु युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? इसके लिए पहला ऑप्शन जापान, दूसरा कनाडा, तीसरा तुर्की और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फोर्थ इंडियन फिलीपींस स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हेल्ड? चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? इसके लिए पहला ऑप्शन है पलायन, दूसरा मनालिया, तीसरा सेंटो टोमस और चौथा है प्यूर्टो प्रिंसेसा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर पी, मनालिया, मैनिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लॉन्च्ड मेक इंडिया नंबर वन मिशन? मेक इंडिया नंबर वन मिशन किसने लॉन्च किया था? इसके लिए पहला ऑप्शन है दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल,
दूसरा ऑप्शन है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान सीएम श्री अशोक गहलोत। तो इसका जो सही आंसर है कि मेक इन इंडिया नंबर वन मिशन किसने लॉन्च किया था, ऑप्शन पहला सही आंसर है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन मिस्टर वाई के सिन्हा, दूसरा अजय विसारिया, तीसरा विक्रम देरास्वामी, और चौथा है श्री मनु महावर। तो इसका जो सही आंसर है विक्रम दोरास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड द डीआरडीओ एंड द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर वर्टिकल लॉन्चेस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VL SRSAM। DRDO और भारतीय नौसेना नौसेना ने वर्टिकल लॉन्चेस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके लिए पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा है चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। इस तरह से हमने पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और हर दिन आपको इस तरह से करंट अफेयर या फिर जनरल नॉलेज इस तरह के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हर एक टॉपिक पर एमसीक्यू मिलेंगे। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।